दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय मनीषा ने फुकरा इंसान के सामने फलक नाज की असली सच्चाई बता दी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, फलक जो कि अभिषेक के साथ वीकेंड के वाले एपिसोड के बाद से काफी अच्छा बर्ताव कर रही है, लेकिन दोस्तों यहां पर मनीषा ने जो फलक का असली चेहरा है वो कहीं ना कहीं देख लिया है और वो उसी की हकीकत यहाँ पर अभिषेक को बता रही है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि मनीषा बैठी हुई थी, अभिषेक उनके पास में आए और अभिषेक ने पूछा कि एक बात बता, मेरा खाना बना नहीं, पूरी बात क्या हुई थी, कैसे नहीं बना मेरा खाना। जिस पर मनीषा ने कहा कि वो बेबी का जो है वो घर वालों को चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मैं तो जेड और अभिषेक के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, जिसको जो करना है वो कर लो। और इस दौरान घर के सभी कंटेस्टेंट वहीं पर खड़े थे, लेकिन किसी ने भी बेबी का को कहा नहीं कि भाई क्यों नहीं करेगी, तो उसके लिए खाना क्यों नहीं बनाएगी, वो भी तो तुम सबके जूठे बर्तन धोता है, वो तो कभी मना नहीं करता। और जब मैंने घर वालों का ये रूप देखा ना, तब मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ हमारा कोई नहीं है, इसलिए तेरे लिए मैंने आवाज़ उठाई और मैंने बेबी का को कहा कि भाई तू खाना क्यों नहीं बनाएगी, जिसके बाद उसने मना कर दिया। और यहाँ पर मनीषा ने फलक की सच्चाई कहते हुए कहा कि वैसे तो फलक दीदी काफ़ी कहती है कि वो बेबी का को समझाती है कि अभिषेक के लिए ऐसा मत बोला करो, अभिषेक के लिए ऐसा मत कहो, उसके बारे में बुरा मत सोचो, लेकिन हकीकत तो यही है कि अभिषेक तेरे बारे में कोई नहीं सोचता है और बेबी का को कोई भी नहीं समझाता है। मैं उनके साथ में रही हूँ, मुझे उनकी सच्चाई पता है, वो लोग किसी को नहीं समझाते, वो जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर दोस्तों अभिषेक काफ़ी हैरान हो गए। वहीं अभिषेक ने यहाँ पर अविनाश के बारे में भी बात करते हुए कहा कि वो भी एक नंबर का चौमू इंसान है, अगर वो इस हफ्ते घर से बेघर होता है ना तो उससे बड़ा चूतिया इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि टास्क के दौरान उसको मौका मिला था जिया को कैप्टनसी से हटा कर, वो खुद आ सकता था, उसको पता है कि वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देता है, लेकिन फिर भी अच्छा बनने के चक्कर में वो देखना गेम से बाहर होएगा। फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पर इनकी बातें कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप भी फुकरा इंसान और मनीषा को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।